सत श्रीकाल जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ विनित कपूर। और हरियाणा दे मुख्यमंत्री निवास स्थान की सीधियां तस्वीरां तुहानू विखा दिंदे हां, क्योंकि बलजीत सिंह दादूवाल की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाल मुलाकात हुई है। हरियाणा दे विच गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मसले के उपर आ मुलाकात दसी जा रही है। तकरीबन 4 बजे के आसपास मुलाकात जी है शुरू हुई सी और काफ़ी देर आ मुलाकात चली, क्योंकि जिस ढंग के नाल गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल करिए गल की जा रही है कि हरियाणा दे विच जिन्हें भी गुरद्वारे ने उन्हां दी देख रेख लई सीधे तौर पर एक अलग कमेटी जी है वह हरियाणा दे विच बनाई जाए। तुसी सामने तस्वीर दे विच वेख सकते हो सिख साहिबान जिहड़े ने वह CM रिहायश दे अंदर मौजूद ने, बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। बलजीत सिंह दादूवाल जिहड़े ने सामने मौजूद ने, गलबात उन्हां नाल भी करन दी कोशिश करांगे कि आखिर किहड़े-किहड़े मसलियां नूं लै के चर्चा होई है और उस मसलियां नूं लै के मुख्यमंत्री की तरफों इन्हां नूं की आश्वासन दिता गया। तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकते हो बलजीत सिंह दादूवाल सने होर जिहड़े सिख साहिबान ने वह बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। गलबात करन दी कोशिश करांगे कि आखिर आ सिख साहिबान जिहड़े ने की कहिंदे नज़र आते हैं। दादूवाल साहब, किहड़े-किहड़े मसलियां ते चर्चा होई है जी? देखो, सब तो वड्डा इस वेले मुद्दा जिहड़ा साडी कौम दे विच है, मुद्दे बहुत ने पर सब तो वड्डा जिहड़ा इस वेले हाईलाइट मुद्दा है कि जिहड़े साडे सजावां पूरियां कर चुके बंदी सिंह भारत दीआं वख-वख जेलां च नज़रबंद ने, उन्हां नूं रिहा जिहड़ा करवाउण दा मुद्दा है। उहदे वास्ते क्योंकि सेंटर दे अंदर BJP दी सरकार है और साडे हरियाणा दे विच जो BJP दे मुख्यमंत्री ने मानयोग श्री मनोहर लाल खट्टर जी, असी अज हरियाणे दा जिहड़ा सिख समाज मेरे नाल हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा मुख सेवादार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर ने भाई भुपिंदर सिंह असंध और भाई हरपाल सिंह पाली उन्हां दे साथी, और इसे तरह सत्कारयोग संत बाबा सुखा सिंह जी कार सेवा करनाल वाले महापुरशां संत समाज वल्लों श्रोमणी अकाली दल दे सरदार कमलजीत सिंह अजराणा ते इन्हां दे नाल सारे उन्हां दे साथी, वख-वख डिस्ट्रिक्टां दे जिला प्रधान, सारा जिहड़ा वफद है माणयोग मुख्यमंत्री साहब नूं मिल के रिक्वेस्ट कीती है और उन्हां ने कहा कि असी माणयोग प्रधानमंत्री साहब नूं ते अपने गृह मंत्री साहब नूं वो चिट्ठी लिखणगे कि जिहड़े सजावां पूरियां कर चुके बंदी सिंह आ उन्हां नूं रिहा कीता जावे। दूसरा, जो मुरादाबाद दे विच गुरद्वारा साहब वाली घटना हुई है कि 80-90 साल पुराना गुरद्वारा उहदे ते बलडोजर फेरिया गया उसकी कुछ इमारत दे उपर, तां उहदे बारे कि UP दे अंदर भी BJP दी सरकार है, उत्थे दे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और असी माणयोग मुख्यमंत्री साहब नूं कहा कि उन्हां दे नाल गल करन कि जो उत्थे दा सिखां दा मसला है वह हल होना चाहीदा। इस तरीके दे नाल जो गुरद्वारा साहब नूं बुलडोजर दे नाल इमारत नूं ढाया गया उहदा सख्त विरोध है सानूं, असीं उहदी सख्त शब्दां च निंदा करदे हां और माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने यह भी सानूं भरोसा दिता कि वह पूरी मदद करनगे और UP दे मुख्यमंत्री साहब नाल गल करनगे। इस तरह जिहड़े साडे हरियाणे दे गुरद्वारा साहब आ उहनां दे विच कई जगह ते कोई मुश्किलां आ रहियां ने, जिस तरह गुरद्वारा लाखण माजरा साहब रोहतक दे नेड़े आ, उत्थे गुरद्वारा साहब दे विच संगत बहुत आउंदी है पर कई तरह दीआं प्रॉब्लम सी, बाबा सुखा सिंह जी कार सेवा करनाल वाले इन्हां नूं उत्थे दी सेवा जिहड़ी लोकल कमेटी दे वल्लों सेवा जिहड़ी दित्ती गई आ उहदे संबंध विच वी माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने DC रोहतक दी ड्यूटी लाई है, उत्थे बैठे हां। सो साडे इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते असीं सारे हरियाणे दे सिख जिहड़े सीगे वख-वख संस्थावां दे जिहड़ियां नुमाइंदा संस्थावां ने साडीआं हरियाणे दे सिखां दीआं और संत समाज महापुरश और हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे साडे सकत्तर भाई सरबजीत सिंह सारिआं ने मिल के अज मुख्यमंत्री साहब नाल बड़े खुले माहौल दे विच उन्हां नाल गल्लां बातां होईआं ने और सारीआं मंगां जिहड़ीआं ने उन्हां ने कहा कि इस जिहड़े सारे मसले आ उन्हां वल्लों ध्यान देण। कि मैं समझदा कि बहुत ही वड्डी गल है कि माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने मौके ते कहा कि वह प्रधानमंत्री साहब नूं ते गृह मंत्री साहब नूं बंदी सिंघां दी रिहाई लई जो सजावां पूरियां कर चुके आ वह चिट्ठी लिखणे। बंदी सिंघां वाला जिहड़ा मसला है बड़ा चुकिया जा रहा है और जिस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल इस बार उपचुनाव जिहड़े कि संगरूर दे बाई इलेक्शन हो रहे उहदे विच भी इस मुद्दे नूं बड़ा भुना रहे ने, तुसीं किवें वेखदे हो? देखो, जिथों तक हैगा अपना बंदी सिंघां दा मुद्दा, उहदे ते हर सिख जिहड़ा हैगा और हर गैर सिख भी जिहड़ा इंसाफ पसंद है, क्योंकि मनुखी अधिकारां दा मसला है, ह्यूमन राइट दा मसला है कि कोई बंदा सज़ा पूरी करन दे बावजूद भी जेल च नज़रबंद रहे, तो हर एक सिख जिहड़ा इस बारे चिंतित है ते गैर सिख इंसाफ पसंद सारे ही चिंतित ने ते सारे चाहुंदे ने
कि बंदी सिंह जिहड़े सजावां पूरियां कर चुके आ उन्हां दी रिहाई जिहड़ी होवे ते असीं शलाघा करदे आ हरेक नूं, हरेक दा फर्ज बणदा। तां ही असीं माणयोग मुख्यमंत्री साहब दे कोल वी इही, क्योंकि इह जिहड़ी नैशनल पार्टी आ और जो राज कर रहे आ राज सत्ता दे विच ने उन्हां दे इत्थे चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा स्टेट दे ते साडे हरियाणे दे हैड असीं हरियाणा च रहिण वाले आ ते असीं उन्हां दे कोल मंग लै के आए आ ते उन्हां ने वी भरोसा दित्ता कि उह चिट्ठी जिहड़ी उह लिखण। हरियाणा दे विच किन्ने इहो जिहे बंदी सिंह ने जिहड़ी सजावां पूरियां कर चुके ने? हरियाणे दे विच कोई भी नहीं है। जो माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि हरियाणे का कोई भी है जिहड़ा हरियाणे की जेल च नज़रबंद जां हरियाणा सरकार नाल संबंधित आ सानू दस्या जावे, पर असी उन्हां कोले तां आए हां कि वह उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने इत्थे जिहड़ी पार्टी का केंद्र च राज है संबंधित सरकारां दे मसले ने कई, जिस तरह दिल्ली सरकार का मसला है, करनाटक सरकार का मसला है, इस तरह जिवें यूटी का भी मसला है इत्थे बड़ैल जेल दे विच जिहड़े साडे नज़रबंद ने सिंह। सो इस कारण करके हरियाणे दे विच कोई ऐसा मसला साडी निगाह च नहीं है। जो साडे कोले लिस्ट आई है जो पिछले दिन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी जो 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी उस दे विच भी तो जिहड़ियां वख-वख जथेबंदियां सी पहलां तो ही काम कर रहे, क्योंकि बंदी सिंघां दी रिहाई लई इत्थे गुरद्वारा अंब साहिब विखे भाई गुरबख्श सिंह खालसा ने मोर्चा लाया सी, कुछ सिंघां दीआं परोलां होईआं सी, कुछ रिहाई भी होई सी, उस तों बाद उन्हां नूं वादा करके जिहड़ा सीगा उठाया गया सी उस वेले दी बादल सरकार दे वल्लों जथेदारां दे वल्लों, पर उह वादे वफा नहीं होए ते उन्हां नूं फिर लखनौर साहिब गुरद्वारा हरियाणे दे विच मोर्चा लाउणा पिया, और फिर वह वादे वफा नहीं होए तां उन्हां नूं अपने नगर अपनी जान तों हाथ धोने पए। टैंकी दे उत्तों उन्हां दी शहादत होई, वह इस बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते अपनी जान लेखे ला गए। इस तरह बापू सूरत सिंह खालसा ने 2015 दे विच जदों उन्हां ने बंदी सिंघां दी रिहाई मंगी सी तां उस वेले बादल सरकार दे वल्लों उन्हां नूं ही बंदी बना दिता गया, DMC दे विच उन्हां नूं नज़रबंद कर दिता गया और उत्थे उन्हां दे बाहर फोर्सां लगा दित्तियां, उह जिंदगी मौत दी लड़ाई लड़ रहे, हड्डियां दी मुठ रह गए अपना बापू सूरत सिंह जी खालसा, पर अज भी वह बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते आवाज़ बुलंद कर रहे। बरगाड़ी का इंसाफ मोर्चा 6.5 महीने लगा, असी उत्थे भी बंदी सिंघां दी रिहाई जेल तब्दीलियां मंगियां, असी कुछ सफल भी होए, कुछ सिंघां दीआं परोलां होईआं, कुछ रिहा होए। हर एक इंसाफ पसंद चाहुंदा है कि जिहड़े सजावां पूरियां कर चुके आ उह रिहा होण, ते जितियां संबंधित सरकारां ने और वड्डा मसला, क्योंकि कानूनी घट आ ते पोलिटिकल ज़्यादा। मैं एक गल ये कह दिया कि मसला कानूनी घट है, कानूनी सजावां पूरियां कर चुके, पोलिटिकल मसला है। सरकार जदों चाहे संबंधित सरकारां केंद्र सरकार उन्हां नूं रिहा कर सकदी, जिवें पिछले दिनों दे अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री राजीव गांधी कतलकांड दे विच जिहड़े सी उन्हां नूं भी 31 सालों बाद जिहड़ी आ रिहाई मिल गई आ, तां इन्हां सिंघां नूं भी कोई 25 साल कोई 30 साल इन्हां जिहड़ियां सजावां पूरियां कर चुके पर रिहाई नहीं हो रही। सो इन्हां दी रिहाई दा वड्डा मसला है कौम दे अंदर, इन्हां दी रिहाई जिहड़ी उह करनी चाहीदी सानूं पूरी, सानूं पूरा 9 सिंघ जिहड़े सजावां पूरियां कर चुके आ, कुछ पहलां 22 दी लिस्ट सी उहदे चों कुछ जिहड़े पैरोल ते आ चुके आ, कईआं दी रिहाई हो चुकी आ, ते सानूं पूरी आस आ कि माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जां माणयोग गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उह जरूर इधर सुनवाई करनगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह धन गुरु तेग बहादुर साहब नू नतमस्तक होंदिया लाल किले के उत्ते 400 साल मनाया, ब्लैक लिस्टा खत्म कीतियां और साहबजादियों का दिन नैशनल तौर पर मनाने की देश वालों उन्होंने जिहड़ा ऐलान किया। असी चाहते हैं कि जिहड़े साडे जलावतनी सिखां दे भी मसले वह भी हल जिहड़े कीते, सानू पूरी आस है कि आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री साहब गृहमंत्री साहब इत्थे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी काम कर रही है, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी काम कर रही, हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी काम कर रही है, असी सारे रल के इत्थे इस गल ते साडे निजी कोई गिले शिकवे वखरेवें भी हो सकते, पर इस मसले ते सारा पंथ सारी कौम एक कत्ता। पंजाब गवर्नमेंट दी गल करिए जां सेंटर गवर्नमेंट दी गल करिए उस नाल भी राबता कायम करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ उन्होंने भी मिलिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर मसले पंजाब दे दिल्ली दे या फिर सेंटर नाल तालुक रखते हैं। हुण इस वेले मसला जिहड़े जिस तरह भाई गुरदीप सिंह खैड़ा वो कर्नाटक सरकार नाल संबंधित है, प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर ने उन्हां दा मसला दिल्ली केजरीवाल सरकार नाल संबंधित है, जिहड़े बुड़ैल जेल दे है इत्थे जिहड़े भाई अपना शमशेर सिंह जी और भाई जिहड़े लखविंदर सिंह नारंगवाल ने, भाई गुरमीत सिंह इंजीनियर ने, भाई अपना जिहड़े बाकी सिंह ने, भाई तारा है, भाई भ्योरा है और भाई राजू आणा पटियाला दी जेल च नज़रबंद ने, पर केस जिहड़ा हैगा वह इत्थे दा यूटी दा। सो इस करके इन्हां नाल संबंधित सरकारां हरियाणा ते पंजाब दा मसला घट है, पर उन्हां दी मातर भूमि जिहड़ी उह पंजाब आ ते बंद ने ज़्यादा, जिवें पटियाला जेल, बुड़ैल जेल ते अपना तिहाड़ जेल,
जिदा जथेदार हवारा साहब तिहाड़ जेल च बंद ने। सो ये सारे जिहड़े सजावां पूरियां कर चुके बंदी सिंह है भावें किसी भी स्टेट च है देश की, उन्हां नाल संबंधित सरकारां नाल गलबात करांगे। और जो माणयोग मुख्यमंत्री साहब हरियाणा नूं कहा कि वह खुद इहदे विच जिहड़ा हैगा वह जरूर चिट्ठी लिखण प्रधानमंत्री साहब नूं, ते आउण वाले दिनां च असी जिहड़ा है अगे होर भी कोशिश जतन जिहड़े आ जारी रखांगे। सर अलग अलग जो अपनी हरियाणा पंजाब इससे अलग सवाल है, हरियाणा पंजाब की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसको लेकर के भी विषय देखो, असी पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ी पंथ की सरमौर संस्था है, शहादत दे के होंद विच लियांदी है और वो अमृतसर साहब तो प्रबंध कर रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 2014 हरियाणा सरकार वालों पास किया गया सीगा, जिवें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब का बिहार का बोर्ड है, तख्त सचखंड श्री हजूर साहब महाराष्ट्र का जिहड़ा बोर्ड है वो प्रबंध कर रहा है। इस तरह हरियाणा के सिख जिहड़ी संगत है वो अपने गुरु घरां का प्रबंध करना चाहती है। 52 गुरुद्वारे जिहड़े एक्ट दे विच जिन्हां दा जिक्र है कि उन्हां दा प्रबंध जिहड़ा हैगा वो हरियाणे के सिखां नूं दिता जाए। असीं अपील पहलां भी की है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ते हुण भी करदे आ। बादल परिवार ने जिहड़ा सीगा वो हरियाणे के सिखां दी सुनी नहीं है, जिस करके हरियाणे के सिख जिहड़े आ बादल परिवार तो निराश भी है कि बादल परिवार हमेशा इत्थे आके उन्हां दा समझौता तो वख-वख पार्टियां नाल कर जांदे आ पर हरियाणे के सिखां दी सुनवाई कुछ नहीं करते। इत्थे स्कूल कॉलेज डिस्पेंसरियां इत्थे दी जो सेवा वो इत्थे दे विकास च अमीरी पीरी जिहड़ा मैडिकल कॉलेज उहदा की असर कर दिता, सो उन्हां दी सुनवाई कोई नहीं करते। पर जदों किसी भी सियासी पार्टी नाल समझौता करके उहदा मुल वट लैंदे आ। सो ये सुप्रीम कोर्ट दे विच माणयोग सुप्रीम कोर्ट च केस है और हरियाणा सरकार नूं भी असीं इह अपील कीती है कि वह भी साडी इहदे विच मदद करन, केंद्र सरकार भी मदद करे। पंजाब सरकार तां पहलां ही लिख के दे चुकी है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वेले कि उन्हां नूं कोई इतराज़ नहीं है, जिवें पहलां बादल परिवार नूं जां बादल सरकार नूं इतराज़ सीगा तां हुण उहनां नूं कोई इतराज़ नहीं। और सारे हरियाणे दे सिख जिहड़े आ उह चाहुंदे आ कि उन्हां दे गुरु घरां दे प्रबंधां दी सेवा जिहड़ी आ उहनां नूं मिले, ते उहदे वास्ते असीं जतनशील। असीं पहलां भी अपील कीती है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कि वह वड्डे भरावां वाला जिहड़ा है इत्थे रसूख वरते, सुप्रीम कोर्ट च उन्हां नूं केस ही वापस लै लेना चाहीदा वा। पर जे फिर भी नहीं, बाकी माणयोग सुप्रीम कोर्ट ते आ कि उन्हां ने की फैसला देना। पर साडी रिक्वेस्ट हमेशा ही उन्हां नूं रहिंदी है श्रोमणी कमेटी नूं कि वह जरूर भरावां वाला जिहड़ा हिसाब किताब वरतदे होए हरियाणे के भरावां नूं छोटे भरा जाणदे होए इन्हां नूं सेवा संभाल का हक जिहड़ा वह देण। धन्यवाद। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर बलजीत सिंह दादूवाल की जिस ढंग के नाल मीटिंग हुई है हरियाणा के मुख्यमंत्री दे नाल, बंदी सिंघां दी रिहाई दे मसले दे उपर चर्चा हुई है, इस दे नाल ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मसले दे उपर चर्चा हुई है। होर भी कई मसले सी जिहड़े इस मीटिंग दे विच विचारे गए ने। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इंटरवीन करनगे, लेकिन वेखण वाली गल रहेगी कि आने वाले दिनों दे विच इन मसलों का किस ढंग नाल हल हुंदा होया नज़र आऊगा। कैमरामैन आनंद दे नाल विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो। देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने। घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान। वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चंदबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले, रुस्से नु मनाना, प्यार मोहब्बत। बाबा यामीन बंगाली 96435-0321।